जजाई सजा देने का इख्तियार इंसान को खुदा ने दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये इख्तियार इंसान के पास होता तो मैं राहिला के बारे में सारी चीजें तो मैं बहुत पहले बता चुका। देखो नुमान, मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहा हूँ कि जज्बात में आकर तुम कोई गलत कदम ना उठा बैठो। ताके वास्ते इसको समझाओ हाते, राहिला को घर से निकाल दिया इसने। जानता हूँ मुमानी जान, वो हमारे घर पे बैठी हुई है इस वक्त। बस आप शुक्र करें कि वो अपने घर नहीं गई, वरना खाला तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं पप्पू को फोन करके बताती हूँ। नुमान, समझने की कोशिश कर के मर्द में बहुत बर्दाश्त होती है, उसे अपनी गलती का एहसास है तो फिर माफी का हक तो बनता है ना। किस बात की माफी? किस बात की माफी? चलो, तुम्हारी और सोमिया की आला जर्फी देख के मैं अगर उसे माफ कर भी दूं तो उसे इस बात के लिए तो माफ नहीं कर सकता ना, जिस बेवफाई उसने मेरे साथ की है। शर्म करो नुमान, उसने आज तक तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं की। बेवफाई है अम्मी, और क्या है? मेरे साथ इतना अरसा रही हो लेकिन अपनी मोहब्बत का इंतकाम ही लेती रही। मेरे साथ तो थी नहीं वो कभी, अपनी नाकाम मोहब्बत के शहर में। प्लीज मत सोचो इस तरह यार, वो रहना चाहती है तुम्हारे साथ, जिंदगी गुजारना चाहती है। मैं नहीं रहना चाहता आते, नहीं चाहता मैं। अपनी नाकाम मोहब्बत का दर्द लेके जितना अरसा वो मेरे साथ रही है ना, वो एक एक पल याद करता हूँ ना तो घिन आती है मुझे। इसलिए कह देना उससे कि अपने घर चली जाए।